हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पर्वत। ये हमारा जो टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो DSSSB का हो, चाहे वो RRB, SSC, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेट के एग्ज़ाम में मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा और समझ के करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। तो वलित पर्वत का प्रकार है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदा कोटा, नंदा देवी। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। देखिए भारत में पूछ रहा है हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो हिमालय की पर्वत चोटी पूछे और एक भारत में हिमालय की पूछे, तो दोनों का आंसर जो है अलग अलग आएगा, तो ध्यान से करेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है, सॉरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो आंसर है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। आंसर है हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नामचा बरवे, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो कौन सी है? नामचा बरवे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टैथिस, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी। तो किससे हुई है? टैथिस से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश या फुट हिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक। तो आंसर है शिवालिक। फिर है, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। तो देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। पंजाब हिमालय अवस्थित है सिंधु तथा सतलुज के मध्य, कुमायूं हिमालय अवस्थित है सतलुज तथा काली के मध्य, और नेपाल हिमालय अवस्थित है काली तथा तिस्ता के मध्य, असम हिमालय अवस्थित है तिस्ता तथा दिहांग के मध्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्नलिखित के बीच है? 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो आंसर होगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तो कौन सी है? नंगा पर्वत। कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा, राकापोशी। तो क्या नाम है? कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी निम्न हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग। और लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्यार एवं पयार।
सतलुज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? अभी पीछे ये क्वेश्चन आया था, तो कौन सा विभाग स्थित है? कुमायूं हिमालय। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो आंसर है हमारा नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? ये तो देखिए आपको रटना ही पड़ेगा, कब की गई थी? 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग। तो किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। तो कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है। जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। तो सबसे पहले तो है ये कराकोरम श्रेणी आएगी, फिर हमारी आएगी लद्दाख श्रेणी आएगी, फिर आएगी जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल, यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन सही है। फिर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट। तो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो किसके बीच में है? धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। तो कौन सा है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? ईयोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में। तो कब हुआ है? सेनोजोइक काल में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है कंचनजंगा? सिक्किम में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन कौन सी है? हमारी अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो अजंता जो है सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। तो कौन सी है? सतपुड़ा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दादा बेटा, अमरकंटक। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक ज्वालामुखी पर्वत। तो क्या है? ये एक भ्रंश कगार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट, अरावली को। तो किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊँची पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। ये देखिए आपको रटनी ही पड़ेंगी। फिर है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी। तो कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? नीलगिरी, कार्डेमम, पालनी, अन्नामलाई। तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी है? कार्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदाबेटा, अनाईमुड़ी। तो कौन सा है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर? महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो कहाँ पर है ये? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। ये हैं हमारी बिहार में।
फिर गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो ये कहाँ पर है? मेघालय में। दक्षिणी भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर अभी क्वेश्चन पहले भी आया था, अनाई मुड़ी है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली तीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेवी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर हमें इसका सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, इसका आएगा महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत और सह्याद्री, ऑप्शन नंबर 3। फिर है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है धूपगढ़? सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर है? राजस्थान में। नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? देखिए, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, ये सिक्किम में स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पर्वत शिखर है? कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, शुडू, थेम्पा। तो कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वैसे 8,848 मीटर। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो कहाँ पर है? पालनी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? उत्तर पश्चिम में अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। तो हमारा है अरावली। सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या विंध्य। तो जाना जाता है हमारा पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट है हमारा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी हमारी कहाँ पर है? राजस्थान में। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कहाँ पर स्थित हैं ये? तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? अन्नामलाई, कार्डेमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ। तो कौन सा आंसर आएगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत। तो ये है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थ्विलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। तो सैडल पीक है। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनुलुन, कराकोरम, हिंदुकुश। तो अरावली। तो यहाँ पे तो हमारे जो हैं भारत के पर्वत जो है कंप्लीट हुआ। इससे आगे हमारे आते हैं भारत के पर्वतीय दर्रे, इनमें ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसके भी शुरू कर लेते हैं, ये थोड़े से ही हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर, बोलन, कराकोरम, शिपकी। तो खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिपकिला, जोजिला, नाथुला, जेपेला। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? शिपकिला दर्रा। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा। तो बनिहाल दर्रे को ये नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पीपली घाट। तो कौन सा
दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है हमारा, पीपली घाट। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली। तो ये किस भाग में स्थित नहीं है? अरावली में। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, केलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक केरल। तो ये किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। तुजू दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो नाथुला दर्रा हमारा किस में स्थित है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। तो ये हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? माना दर्रा एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, शिपकिला एवं यांग्याप दर्रा, भुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। तो कौन सा दर्रा हमारा स्थित है सिक्किम में? यह है नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोजिला, बुर्जिल बनिहाल और पीर पंजाल। तो ये किससे होकर गुजरता है? बनिहाल से होकर गुजरता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, तुजू दर्रा और ये नीचे दिख नहीं रहा इसमें है शिपकिला दर्रा। तो इसका आंसर हमारा आएगा किसको किससे जोड़ता है? नाथुला दर्रा है हमारा सिक्किम में, ठीक है, बोमडिला दर्रा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा है हमारा मणिपुर में, और हमारा सॉरी तुजू दर्रा हमारा मणिपुर में, और ये जो शिपकिला दर्रा बच गया ये हमारा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका आंसर आएगा सी। तो है किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? शिपकिला, बारालाचा, माना, नाथुला। तो किस से जाते हैं हमारे? माना से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो नाथुला जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी नाथुला अरुणाचल प्रदेश। फिर है टोगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोगूप दर्रा अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो किससे जोड़ता है? म्यांमार से। खैबर का दर्रा कहाँ है? भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो खैबर का दर्रा है पाकिस्तान में। फिर अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डेमन पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियाँ, कार्डोमम पहाड़ियों और पालिनी पहाड़ियों के मध्य। तो आंसर हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में पालघाट स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बाराला, पाचाला, शिपकिला, जेलेपला। तो कौन सा स्थित नहीं हमारा? जेलेप ला। बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये आंसर है हमारा
जम्मू कश्मीर। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। पर्वतीय दर्रा है और कौन से राज्य में है ये बताना है। माणा, नाथुला, जोजिला, शिपकिला। तो माणा हमारा कहाँ है, ये इसका ऑप्शन आएगा सी। माणा हमारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ओके, नाथुला हमारा है सिक्किम में, और जोजिला हमारा है हिमाचल प्रदेश, और शिपकिला हमारा हो गया जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। जोजिला, शिपकिला, चुंबी घाटी, बनिहाल। तो ये है जोजिला से होकर जो है लेह का रास्ता जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारे भारत के दो टॉपिक जो हैं कंप्लीट हो गए, एक तो भारत के पर्वत और दूसरे भारत के पर्वतीय दर्रे। और ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ना इनको इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये पढ़ाया जो मैंने वो समझ में आया होगा। और प्लीज़ ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।